नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। पिछले कई दिनों से मेरे को भर के डीएम और कमेंट्स आ रहे हैं भाई, खास करके लेडीज के, कि भाई हमें बताइए कि बंपर टू बंपर जब ट्रैफिक चलता है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक हो जाता है, उसमें हम किन चीजों का ध्यान रखें ताकि हमारी गाड़ी ना अड़े। और बहुत सारी लेडीज जो हैं और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल हुई है, वो बहुत ज्यादा घबराते हैं बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ रोड पे देख के। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है तो आप किन बातों का ध्यान रखें और इतने बंपर टू बंपर हैवी ट्रैफिक में कैसे अपनी गाड़ी को बिना टच हुए आप चला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल सटीक है। मेरे सामने देख रहे होंगे पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है और मेरे सामने खड़ी हुई है एक कोरोला। अब हम इसके पीछे चलते हैं, कैसे ध्यान रखें। सबसे पहले हमें जो है, मोस्टली जो नए ड्राइवर होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि हमें अपनी गाड़ी रोकनी कहाँ पे है। मैंने थोड़ा वाइड एंगल पे कर दिया है। अब जब तक मुझे इस गाड़ी के पीछे वाले टायर दिखते हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, अपनी लेन चेंज नहीं करनी है, जब तक इसके पीछे वाले टायर दिखते हैं तब तक गाड़ी चलानी है। और जैसे ही मुझे टायर दिखने बंद हुए, वहीं पे आपको अपनी गाड़ी रोक लेनी है। यहाँ पे एक सवाल आएगा, रोकनी कैसे है, वहाँ भी दिक्कत आती है कई लोगों को, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा रुकिए, इंतज़ार करिए। लेकिन एक चीज़ और गौर करने की है, जैसे ही ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी, अब इसकी ब्रेक लाइट आप ध्यान से देखिए, ब्रेक लाइट बहुत ज़रूरी है अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं। तो ये जो है इसकी ब्रेक लाइट अभी ऑफ है। अब ये गाड़ी आगे हल्की हल्की चल दी तो मैंने उसी डिस्टेंस पे रखी हुई है, आप बेफिक्र रहिए, मेरी गाड़ी इससे कम से भी कम 6 फीट की दूरी पर है। अब ये देखिए, ये गाड़ी आगे चली और ये इसकी ब्रेक लाइट जली। जैसे ही उसकी ब्रेक लाइट जले, आपका भी पैर एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक के ऊपर आ जाना चाहिए एकदम, आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ देखिए, ये देखिए ब्रेक लाइट जली। अब ये हल्के हल्के ब्रेक ले रहा, तो हमको भी यहाँ पे हल्के हल्के ब्रेक लेने हैं। और जब इसके पीछे वाले टायर दिखने बंद हो जाएं, तभी एडजेक्ट ए बिल्कुल यहीं पे हमें अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक यूज़ कैसे करने हैं, क्लच दबा के करने हैं या क्लच छोड़ के करने हैं, तो चलिए वो सीन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेरे पैरों की मूवमेंट है वो सिर्फ राइट पैर की एक्सीलेटर देने के लिए मूवमेंट है या फिर ब्रेक दबाने के लिए है। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा और हल्के हल्के यहाँ पे बार बार से क्लच छोड़ता हूँ। और जैसे ही गाड़ी आगे से, आगे वाली गाड़ी का ब्रेक लाइट जलती है तो इसको प्रेस कर लूंगा और फिर एकदम से यहाँ पे ब्रेक ले लूंगा। तो मेरी गाड़ी उतने गैप पे रुक जाएगी जितना गैप वहां पे आपको बताया है मैंने कि आगे वाली का टायर दिखना चाहिए। अब गाड़ी रुकी हुई है, फर्स्ट गियर में डली हुई है, अब आपको यहाँ पे फिर से आगे बढ़ानी है तो आपको सिर्फ ये करना है, ये पैर हटा के ब्रेक से एक्सीलेटर के ऊपर लेके जाना है और हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, गाड़ी आपकी आगे की तरफ बढ़ेगी। और ध्यान, मतलब पैरों को देखना नहीं है, ध्यान रखना है आगे वाली गाड़ी की ब्रेक लाइट पे। जैसे ही उसकी ब्रेक लाइट जली और आप उसके नजदीक आए, क्लच दबाया और एकदम से ब्रेक ले दिए। यहाँ पे आपको क्लच दबा के ही रखना पड़ेगा क्योंकि मूवमेंट क्या होती है, आपको हल्का हल्का ये वाली सिचुएशन, एक्सीलेटर, क्लच रिलीज किया, फिर क्लच दबाया, फिर ब्रेक दबाया। तो यहाँ पे आपको हर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आपकी गाड़ी आगे आगे बढ़ती रहेगी 5-5 मीटर, जैसा कि यहाँ पे आप अब आगे देख पा रहे होंगे वीडियो में बढ़ रही है। तो पैरों का जो रोल है वो ये वाला है, एक्सीलेटर देना है हल्का सा, क्लच रिलीज करना है और जैसे ही गाड़ी रोकनी है क्लच दबाना है, फिर से ब्रेक दबा देना है। अब जो दोस्तों लास्ट बात आती है निकल के, वो आती है आपको कभी भी हैवी ट्रैफिक के अंदर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर अपनी लेन चेंज नहीं करनी है। और अपने ORVM जो है, आप देख पा रहे होंगे मेरे को पता चल गया पीछे से क्रेटा आ रही है, अगर मैं लेफ्ट साइड दिखाऊं, अगर मैं उस साइड देखता हूं तो उधर भी मेरे को दिखाई देगा कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। अब इतने ट्रैफिक में कोई बेवकूफ़ ही होगा जो लाइन चेंज करने की सोचेगा, तो अपनी जिस लेन में चल रहे हैं उसमें चलते रहें। और अगर बहुत ही ख़राब वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आपको ये करना है दोस्तों, आपको पहले अपने ORVM में देख लेना है कि आपको राइट या लेफ्ट जाने में पीछे से कोई गाड़ी ठोक तो नहीं देगा, अड़ा तो नहीं देगा, तब जाके आपको अपनी गाड़ी की जो है लेन चेंज करनी है। आप देखिए, मैंने देख लिया है राइट साइड में मेरे SX4 खड़ी है तो मैं किस हालत में राइट जा सकता हूँ, नहीं, अपनी लेन में चलें, सिर्फ अपनी लेन में चलेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप आसानी से ट्रैफिक से निकल भी जाएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप लोग बिना किसी झिझक के गाड़ी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी लेकर इतने हैवी ट्रैफिक में जाएंगे तो आपको इस वीडियो का फायदा जरूर मिलेगा। और भी कोई सवाल आपके मन में आता है किसी कार से रिलेटेड या ड्राइविंग टिप्स से रिलेटेड, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहां शो हो रहा होगा अरुण कुशल खत्री के नाम से, आप वहां जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और बिहाइंड द सीन्स स्टोरी भी हमारी जान सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ आगे कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन आता है उसको प्लीज प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार, आपको जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।